45 मिनट्स के साथ मैं हूं राही चौधरी। आज हम मौजूद हैं कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कच्छ यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट का कि आप लोगों ने हमें मौका दिया और ये सारे अरेंजमेंट्स यहां पर किए हैं। स्टूडेंट्स की भी एक बहुत बड़ी तादाद हमारे साथ आज यहां पर मौजूद है, इनके सवाल इनके कॉमेंट्स भी शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि आज हम बात करेंगे आजाद जम्मू कश्मीर के हवाले से, ना कि वहां पर जो पॉलिसीज हैं उनके हवाले से बात करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस वक्त मकबूजा कश्मीर में क्या सिचुएशन है, वहां पर हालात क्या है, मैं चाहूंगी कि वो हम बात करें। और जो हमारे साथ यूथ यहां पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और पाकिस्तान में खास तौर पर 60% प्लस में जो इतना बड़ा टर्न हमारे पास मौजूद है, हम किस तरह से उनको बेहतर एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं और मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो वहां पर सूरत हाल है और इंडियन प्रोपेगेंडा जो है वो सबसे हमें बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है, जिस तरह से चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है। हम ये चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम में इन कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए और अपने यूथ को उसमें शामिल किया जाए और ये बताया जाए कि इंडिया इस वक्त आजादी की तहरीक को किल करने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, हमने उसको किस तरह से काउंटर करना है। और खासतौर पर हमें ये बहुत समझने की जरूरत है कि ये एक इंडिजनस मूवमेंट है, ये संसद नहीं है और तहरीक की आजादी लड़ने वाले जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं वो दहशतगर्द नहीं होते, वो अक्सरियत पसंद नहीं होते और वो इंतहा पसंद नहीं होते। इन तमाम तरह वालों से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और भी बहुत सारे आज पॉइंट्स हैं जो आज हम ग्रेस करेंगे और हमारे पैनल को जो शख्सियात ग्रेस करेंगे उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ कैरिश कमर साहबा मौजूद है प्रोग्राम में, आप मेंबर हैं कानून साज असेंबली आजाद जम्मू कश्मीर से, उनका तालुका। बहुत शुक्रिया कैरिश आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए, थैंक यू सो मच। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं सैयद इकबाल मुस्तफा बुखारी साहब, आप तो ये कारण कहते हैं बड़ा बेसिक नॉलेज है कश्मीर के हवाले से इनके पास। और मेरे बाई तरफ तशरीफ रखते हैं यूसुफ नसीम साहब, आप सीनियर वीडियो प्रहमला हैं और जिस तरह से मैंने बात की थी कैसे हकायक क्या है वो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे और कुछ बैकग्राउंड भी जो है मैं चाहेंगे कि यूसुफ नसीम साहब हमारे साथ शेयर करें। सर आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद लहरी साहब, सामाजिक कारकुन हैं और जो वहां पर इस वक्त हालात हैं बड़ी गहरी नजर है उनकी, इस पर मैं चाहूंगी कि उनके हवाले से मिलते जाने। आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। मजीद वक्त में जाया नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मौजूद की तरफ चलते और उनके सवाल अगर कोई कॉमेंट करना चाहते हैं, कोई आपके ओपिनियन है तो वो हम जो प्रोग्राम में शेयर करेंगे। ओवर टू ऑडियंस, अपनी इंट्रोडक्शन भी करवाइएगा और सवाल भी आप कीजिएगा। जी Samra Minhaj and I'm affiliated with the Management Sciences Department at Capital University. It is first of all an honor to be in presence with such an esteemed panel. I would like to highlight the fact that the role of Pakistan in this entire Kashmir struggle. Now, hum sabko ye baat pata hai ki jo Kashmir struggle is basically an indigenous struggle jiska asal reason jo hai that is the Indian atrocities in Kashmir. जो पूरी स्ट्रगल उनके इस वक्त चल रही है द फ्रीडम मूवमेंट बाय द यूथ, वो सारे इसके जो मेन रीजन है वो वही है जो इंडियन बर्बरियत या ह्यूमन राइट्स वायोलेशन वहां पे हैं। बट ऑनेस्टली देखा जाए तो द परसेप्शन दैट इंडिया हैज क्रिएटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इज दैट दिस फ्रीडम मूवमेंट इन कश्मीर इज बेसिकली समथिंग दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान, राइट। तो हमारे कंट्री का नाम इस पूरे स्ट्रगल में इस तरह से आ रहा है जैसे हमने इस चीज को इंडिया और कश्मीर को अलग करने के लिए ओरिजिनेट किया हुआ है। पैनल से मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन अ स्ट्रांग सपोर्टर ऑफ कश्मीर, हमने हमेशा से अपना पूरी दुनिया को यही सांस दिया है कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, हम इन एट्रोसिटीज के अगेंस्ट है। इवन येस्टरडे द नेशनल असेंबली हैज पास्ड अ यूनानिमस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट ऑब्वियसली द एट्रोसिटीज इन कश्मीर एंड वी हैव डिमांडेड फ्रॉम जिनेवा कि हमें इस चीज पे जो है एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन जो है वो भेजा जाए इन कश्मीर एंड ऑब्वियसली। तो हम जिस तरह से अपनी सपोर्ट को पोर्ट्रे करते हैं कश्मीर के लिए, मेरा सवाल ये है कि यहां पे पाकिस्तान को रोल को गलत देखा जा रहा है दुनिया में, तो शुड वी चेंज अवर स्टैंड या हमें अपना स्ट्रैटेजी जो है उसको चेंज करने की जरूरत है? तो जो है वो पाया जाता है किसी तरह से वेरी राइट, बहुत अच्छा कहते हैं आपका। किसी और का कोई सवाल है तो मैं चाहूंगी कि वो भी हम शामिल कर लेते हैं, तीन चार क्वेश्चन लेते हैं फिर आते हैं पैनलिस्ट की तरफ। माइक दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैंने गुरदेश आजाद
और मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने कुछ वेपन्स हैं जिसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ यूज के ऊपर इवन ऑन एनिमल्स, लेकिन देखा जाता है उनका देश दरिया इस्तेमाल इनोसेंट कश्मीरी पर हो रहा है उनका, जिसमें पैलेट गन सबसे ऊपर जाई जाती है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या हम एक्शन ले रहे हैं पाकिस्तान, वेयर इज पाकिस्तान सेंडिंग अटैक अगर भी डूइंग इवन इन बेस्ट, अगर एनिमल का भी अगर कोई राइट वायलेट होता है उसके ऊपर इतना एक्सट्रीम रिएक्शन आता है, लेकिन पाकिस्तान के पास तो होते हुए लेकिन हम क्या स्टैंड कर रहे हैं, सही है, बिल्कुल ह्यूमन राइट्स तो हमारी जमीन है, वो इसको कैसे देखती है, वो क्यों आवाज नहीं उठा रही है, इसका जवाब मैं जरूर देती हूँ। और कुछ सवाल आते हैं तो हम शामिल कर लेते हैं, आप माइक के लिए रेडी थे। माय नेम इज एरन एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ एमबीए। व्हेनेवर वी स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट तो उसकी जो भी प्रोग्रेस है वो हमारे सामने एक या दो साल में आ जाती है, बट इट्स बीन 17 ईयर्स, कश्मीर इश्यू वही का वही है। तो माई क्वेश्चन इज कि इन आवर स्ट्रेटजी एंड स्टैंड वेयर वी आर लैकिंग बिहाइंड इन प्रैक्टिकलिटी, दिस इज माई वेरी गुड क्वेश्चन। और ये सवाल हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। तो मैं चाहूंगी कि जैसे पहले मैंने कहा था थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताइएगा ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं उनके कॉन्टेक्ट क्लियर हो जाए, और जो सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं बड़े बहुत अच्छे सवाल आते हैं, उनको किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं आप? ये केवल मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ और अभिषेक कर रहा हूँ कि सकत कैप्टन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पीटीवी की पैरल से हमारे वो लोग जिनका बड़ा अच्छा रोल रहा है और अभी भी है तारीख की आजादी कश्मीर में, तो हमारे वो लोग जो हमारा मुस्तकबल है इकट्ठे हो गए और कश्मीर की मौजूदा ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक अच्छा आगाज है। जहां तक सवालों का ताल्लुक है, मैं आपसे हम करता चाहूंगा ये कि मैं सरसबल पाकिस्तान, ये रोशन पाकिस्तान, इसके बैकग्राउंड में अगर आप जाएं तो कायदे आजम का फरमान कि कश्मीर पाकिस्तान की शरह है, यही वो असल हकीकत है। एक दूसरा जो बिल्कुल दिल्ली में हकायक है कि रियासत जम्मू और कश्मीर मकबूजा के अंदर गालिब अक्सरियत लोगों की ऐसी है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के नाम पर इस वजह से भी है कि पाकिस्तान का वजूद लियात उल कदर की रात अल्लाह की तरफ से इस रीजन के मुसलमानों को बिल अमूम और आलम इस्लाम के लिए बिलखसूस एक तोहफा था, वही वजह है कि कश्मीरियों को आपने सैयद अली शाह गिलानी साहब का स्टेटमेंट सुना होगा कि आप अगर हमारी सड़कों पर सोना बिछा दें, आप हमें चांदी के घर बना के दें, तो हम आपके साथ अपनी आजादी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, इनके लिए ऐसे ख्याल है। तो फिर जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है तो ये जो रिश्ता पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की तीन बड़ी खसूसियात हैं बुनियादी। एक तो ये जब पाकिस्तान मुल्कत खुद आजाद विदेश में आया, हिन्दुस्तान आजाद हुआ, तो उस वक्त एक फार्मूला के तहत हुआ और उस फार्मूले में ये बात हिन्दुस्तान की क्यादत ने भी मानी, पाकिस्तान की क्यादत ने भी मानी और ब्रिटिश पुलिस इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी रियासतें हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगी और जो मेजॉरिटी रियासतें हैं वो हिन्दुस्तान का हिस्सा बनेगी। टू नेशन थ्योरी के फार्मूले के तहत जहां तक रियासत जम्मू और कश्मीर का ताल्लुक है, ये कभी भी आप हिस्ट्री पढ़े कभी भी ये हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं रहा है। जितनी भी तारीखें वहां चली तो हिन्दुस्तान का हिस्सा रियासत जम्मू और कश्मीर न कभी था और यकीन से मैं आपको कहूंगा न है न होगा। वो जितना मर्जी वहां बजट ले आए, वो जितना मर्जी उनका वजीर आजम आके वहां पैकेज पॉलिटिकल पैकेज का ऐलान करे फाइनेंशियल पैकेज का। और जहां तक हमारे एक स्टूडेंट ने बड़ी अच्छी बात की, मुआवजा किया कि आजाद कश्मीर में उतनी तरक्की नहीं है और मकबूजा कश्मीर में, मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से एम एलएलबी किया है, मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, मैं आपको एक बात वसूख से कहूंगा, मैंने पूरे आजाद कश्मीर का दौरा किया और पूरे इंडिया का भी और मकबूजा कश्मीर का भी। 1947 में आपके पास आजाद कश्मीर में एक मिडिल स्कूल था मुजफ्फराबाद में और एक मीरपुर में, और आपका हाई स्कूल फुल शहर जो इस वक्त मकबूजा है, तो हमारे बुजुर्ग वहां जाके पढ़ते थे और उस वक्त भी 1912 में एसपी कॉलेज श्रीनगर में
कायम हुआ था, अमर सिंह कॉलेज था, कश्मीर यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी थी, तो वहां हजार साल से वो कैप्टन रहा था, लेकिन अगर हम मुआवजे करते हैं तो 47 के बाद देखे कि आज आजाद कश्मीर में जो तरक्की आपने की है, जिस स्पीड से की है, जिस अजमत से की है, जिस अंदाज से की है, उसका 1% भी वहां जो भी तरक्की हुई है वो बादशाह के वक्त से हुई है, वो मराइए के वक्त से हुई है। लिहाजा एक ये आप कंपेयर करें, आज आजाद कश्मीर में 112 कॉलेज है, 5 यूनिवर्सिटीज है, 70% रेशियो है एजुकेशन का, और वो आजाद कश्मीर का एजुकेशन रेशियो जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों से ऊपर है। ठीक, ये बात तो क्लियर होगी। मैं कहूंगी कि डॉक्टर साहब आप भी जो सवाल आपके यहाँ पर किए गए हैं आप भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान टेलीविजन प्लस यूनिवर्सिटी का रियली शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतनी डायरेक्टिव किस्म की आज की ये हमारी प्रोग्राम रखा है, जिसके अंदर नौजवानों ने मुख्तलिफ सवाल उठाए हैं। अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कश्मीर के हवाले से देखेंगे तो कश्मीर की वैली और कश्मीर का जो खत्ता है, एक ऐसे शुरू से ही एक ऐसे प्रशंसन से गुजरा है, एक ऐसी जदोजहद और एक ऐसे तारीफ से गुजरा है कि यहां पे हमेशा ही, चाहे वो राजाओं का जमाना हो, प्रिंसेस का जमाना हो, उसके बाद का जमाना हो, यहां देखते हैं कि तारीख के साथ साथ यहां पे जब वो जन्म जारी रहा। लेकिन आज जैसा कि एक बच्ची ने सवाल उठाया कि 70 years have been passed, 70 साल गुजरने के बाद भी कश्मीर का केस और कश्मीर का जो किस्सा वहीं का वहीं है, इसके अंदर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई? ये बड़ा प्रोमिनेंट सवाल है, ये पूरी दुनिया के लिए एक सवाल या निशान है। और खसूसन चूंकि मैं एक इंसानी हकूक के बारे का सरबरा हूं जो कि यूएन का मेंबर है, तो मैं यहां अक्सर ये सवाल वहां भी उठाता हूं, मुख्तलिफ न्यूयॉर्क में, जनीवा में उठाता हूं, गाना में उठाता हूं, सवाल दिस इज कि आप अगर कहीं आग भी लग जाए यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, या उनकी अपनी मन मर्जी की जंग कहीं जब मसल्लत कर लेते हैं इंसानी हकूक के नाम पर, तो वो रातों रात वहां पहुंचकर अपने अपने मफादात को सामने रखते हुए ना सिर्फ जंगू का खात्मा करते हैं बल्कि आने वाले जो मुस्तकबिल है उसका भी वो वादा कर लेते हैं और आगाज कर देते हैं। मगर क्या वजह है कि कश्मीरी आवाम की लाखों कुर्बानियां, और चूंकि आप नौजवान हैं, 70,000 से ज्यादा नौजवान शहीद हो चुके हैं, मैं नौजवानों की बात कर रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर के मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जिसमें बूढ़े हैं, जवान हैं, दूसरे लोग हैं, तो 70,000 जो नौजवान हैं इससे भी बल्कि ज्यादा अभी तक कोई शहीद हो चुके हैं। तो 70 साल यहां पे हो गए, मगर कश्मीर का मसला जू का तू है, उसके पीछे मैं उन बैन अल्कामी नेताओं को, रहनुमाओं को और ताकतवर ममालिक को और उनकी सो कॉल्ड बनाई हुई तंजीमों को जिम्मेदार करार देता हूं कि उन्होंने यहां पे हटबंदी का मुजाहरा किया, तो उन्होंने अपना किरदार अदा करने से वो कासिर रहे और उन्होंने अपने मफादात का तहफ्फुज़ किया है, तो कश्मीर की जन्नत वाली नजीर को, हमारी वादी नजीर को उन्होंने यक्षर नजर किया। इससे आगे चल वेरी ठीक, मैं कहूंगी कि सारी साथ भी स्टैंड कीजिएगा, जो सवाल थे एक तो वेपन के हवाले से इन्होंने किया और आपके पास कुछ पंक्चर्स पर अभी हैं, पिक्चर्स भी हैं, मैं कहूंगी वो भी दिखाइएगा। और एक और सवाल आया था कि जो नेगेटिव परसेप्शन है पाकिस्तान के हवाले से, उसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है? First of all, I am very thankful to all the students who are here or you are giving a time or you are participating in our freedom fighting movement जो है उसके अंदर कश यूनिवर्सिटी का और पाकिस्तान टेलीविजन का जो कि हमेशा जो है बहुत अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तहरीक आजादी की कवरेज में। एक चीज आपने बड़ी अच्छी कही कि क्यों इंडिया ये प्रोपोगेंडा कर रहा है। आप ये खुद देखें कि इंडिया जो है जो सो कॉल्ड कहता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उनसे मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या वो लोग जिनके हाथ में पत्थर है और वो अपना दिफा कर रहे हैं वो टेररिस्ट है, या फिर असली से लबरेज उनकी फौज वो टेररिस्ट है जिसे रेन बदे ने जाता गया। और आपको पता है कि सबसे हैवीली यानी मकबूजा कश्मीर में हर 12 लोगों के ऊपर एक फौजी तैनात है, तो ये तो इंडिया के लिए एक सवालिया निशान है कि वो टेररिस्ट है। और दूसरी बात ये है कि
कितना हम स्पॉन्सर कर सकते हैं, क्या लाखों के मजमे को स्पॉन्सर किया जाता है? आपने बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद के जनाजे में देखा, क्या वहां तमाम लोग स्पॉन्सर थे? क्या तमाम 2016 से लेकर अब तक की जो तरीक आजादी है और उसमें जितने भी नौजवान शामिल होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग, वो तमाम स्पॉन्सर्ड हैं? आपको एक और चीज मैं बताती हूँ, जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, खुद इंडिया ये कहता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। 3 बैरियर्स बने हुए हैं, चिड़िया भी अगर जाएगी तो वो जो करंट वेव है उससे मर जाएगी। तो ये इंडिया अपनी ही बात को जो निगेट करता है, नलीफाई करता है कि हमारी LOC कोई कंट्रोल अबूर नहीं कर सकता, फिर इंडिया कहता है कि स्पॉन्सर्ड है। इतने लोगों को स्पॉन्सर्ड नहीं किया जा सकता, ये इंडिजिनस मूवमेंट है और इंडिजिनस रहेगी। एक और चीज मैं आप लोगों को बताती चलूं कि मुझे आप ये बताएं कि ये जो बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद है, और ये मेरा गिला आप लोगों से, जुलाई 2016 में बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत होती है, ईद का दिन आता है, सिनेमा में एक मूवी दिखाई जाती है और हमारे पाकिस्तानी उस इंडियन मूवी को रिकॉर्ड बिजनेस देते हैं, और यहाँ मकबूजा कश्मीर में इस बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद के जनाजे को पाकिस्तानी परचम में लपेट के दफन किया जाता है। ये सवाल है आप लोगों से, इंडियन मूवीज को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बंद किया, लेकिन उनके पास सिनेमा के ऑनर्स दे, उन्होंने कहा कि हमारा बिजनेस तो कट हो गया है, नोबडी इज रेडी टू कम, और पाकिस्तानी मूवीज नहीं देखना चाहते। हर वो शख्स जो सिनेमा में मूवी देखता है, इंडियन मूवी, हर वो शख्स जो कि अपने टीवी चैनल्स पे इंडियन ड्रामा देखता है, आप हर उस असले के जिम्मेदार हैं जो मकबूजा कश्मीर में वहां के हमारे जो मुसलमान भाई हैं, हमारे कश्मीरी, उन पर ये जो है उनके सीनों पर तानी जाती है। आप ये देखें कि हमारी कश्मीरी माएं बहनें, आज आप लोगों के यहां बैठे हुए हैं, गर्मी भी लग रही है, आपको पता है कि एक वर्ड है जो कि मकबूजा कश्मीर की बेवाओं के लिए ओरिजिनेट हुआ है, एंड दैट इज हाफ विडो। आपका हस्बैंड मर गया है या जिंदा आपको नहीं पता, बस उसे उठाकर ले गए हैं, और हम जो है वो वहां पर हमारी माएं बहनें जिंदा हैं इस आस में कि शायद वो दोबारा आएगा। ये हाफ विडो का वर्ड सिर्फ वहां की बेवा जो है उनके लिए है। और एक और चीज, आपने ये चीज पूछी कि 70 साल से हमारी जो ये तहरीक आजादी है इसके अंदर क्यों नहीं प्रोग्रेस हो रही है, ये दिखाइए, ये जो प्रोग्रेस ये देखें, ये बदली बदली बात कर रहे थे, पायलट गन्स हैं, ये यूज होती हैं, और ये जो जानवर हैं उनके ऊपर भी इस्तेमाल, और क्यों इसके लिए बोलते, क्योंकि उनकी इकोनॉमी है, आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि क्यों सब लोग खामोश हैं, उनकी इकोनॉमी से रिलेटेड है, इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है, एक इकोनॉमिक जो है वो इंडिया एक इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्री है, इस वजह से ये तमाम चीजें हैं जो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो करती है। और ये बड़ी इजी भी आप एक्सेस कर सकते हैं, सब चीजें आप देख सकते हैं, आप हर चीज जो है वो जाएं, आप देखें कि किस तरह जो है वो इंडियंस क्या कर रहे हैं, और आप YouTube पे देखें, हर वीडियो वहां पर मौजूद है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, आपने कहा 70 साल से हमें क्या चीज क्यों, उसकी वजह ये है कि आपका जो दुश्मन है, हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं ना कि इंडियंस जो है उनका क्या है कि वो दे आर नॉट रेडी टू टॉक, वो कहते हैं वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा। यूएन जनरल असेंबली का खिताब होता है, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में पहले गन इस्तेमाल की जा रही है, मकबूजा कश्मीर में बुरहान मुजफ्फर वानी को फ्रीडम फाइटर का नाम देते हैं, और उसमें सुषमा स्वराज साहिबा क्या कहती हैं, वो कहती हैं हमने अपने मुल्क के अंदर सैनिटरी सिस्टम ठीक किया है, ये उनका जवाब है, ये उनका स्टांस है, और इसमें आप लोग हैं जिन्होंने अपना हिस्सा डालना है। वहां पर वहां की यूनिवर्सिटी का आप कंपैरिजन करें, और आप मकबूजा कश्मीर की यूनिवर्सिटी और वहां की डेवलपमेंट आजाद कश्मीर का मैंने चप्पा चप्पा बचपन से देखा है, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो मुख्तसर अगर ये बात करें, वहां पर आप सुकून से रह रहे हैं, कोई आपके ऊपर बर्बरियत ना नहीं हो रही, कोई गोली लेके कोई गन तान के ऊपर नहीं चढ़ा, आपको ये नहीं पता कि सुबह घर से जाएंगे आपने शाम को वापस आना है या नहीं आना, और जो वहां पर हालात है उस आजादी की तहरीक को दबाने के लिए कितने भी प्रोजेक्ट क्यों ना लोगों की जबान खामोश करने के लिए स्टार्ट किए गए, आजादी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, ये चीजें उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। बुखारी साहब की तरफ जाते हैं, बुखारी साहब जो नेगेटिव परसेप्शन है, अगर मैं चाहूंगी कि उस पर कॉमेंट कीजिएगा, एक सवाल सबसे पहले आया था कि जो पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है उसको कोई जिस तरह से नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहा है इंडिया, तो उसके लिए फिर किस तरह बेहतर किया जा सकता है उसको? बहुत शुक्रिया। देखिए आज की जो दुनिया है ये मीडिया की दुनिया है,
ون ٹیکنالوجی کی دنیا ہے. آپ کے پاس آپ جسے گلوبل ولیج کہتے ہیں آپ اس ایرا میں رہ رہے ہیں, آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کینیڈا میں انٹارکٹیکا میں اپنے لوگوں سے اس طرح بات کر سکتے ہیں جیسے میں اور آپ اس سے مخاطب ہیں. انڈیا اسی ٹیم کو یوز کر رہا ہے, بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ لوگ, وہ پالیسی ساز, وہ سوچنے والے لوگ, وہ جنہوں نے آپ کو گائیڈ لائن دینی تھی وہ اس پر اس طریقے سے نہیں سوچ پائے, ان کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے. ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کشمیر ہے کیا, کشمیر کا مسئلہ کیا ہے, وہاں یہ اتنی موومنٹ, اتنی تحریک کیوں چل رہی ہے, کیوں جواب میں وہ گولیاں کھاتے بھی ہیں اور اس کے باوجود وہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں, اور ایک اجدہان ہے لوگوں کا جب ایک ہی نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں وہ کیوں لگاتے ہیں, یہ اس کو تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آخر ہے کیا. دراصل ہماری یہ بدنصیبی ہے کہ ہمارے جو رہما تھے, سیاسی رہما تھے, حقیقت کا صحیح طور پر ادراک نہیں کر سکے آج سے 70 سال پہلے, جب حالانکہ قائد اعظم محمد رضا جو خود جو حکومت پاکستان نے بک چھاپی ہے, یہ قائد اعظم کی وہ تقریریں ہیں جو انہوں نے 1947 سے 1948 کے دوران جب تک وہ حیات رہے انہوں نے مختلف جگہوں پر دربار سے, سول سوسائٹی سے, گورنمنٹ کے لوگوں سے, آفیشل سے, اسٹوڈنٹ سے, فوجیوں سے, پارلیمنٹ سے, جنرل خطاب میں ان کا یہ وقت کمپائل کیا ہے. آپ اس کتاب کو اٹھا کے پڑھیں, ان کی چیزوں کو دیکھیں, انہیں جو سیاسی زونا ہمارے تھے ان کے بعد اس ملزم کو لے کے آگے نہیں چل سکے. ٹھیک ہے, کشمیر کا مسئلہ دراصل اس 3 جون کے پلان جس کے تحت ہندوستان اور پاکستان کو ڈیوائڈ کر کے بھارت اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو تقسیم کیا گیا اس کا ایک حصہ تھا. تو یہ پایا تھا کہ یہاں جو ایڈمنسٹریشن موجود ہے جو برٹش انڈیا کے ایک رول کے تحت ہے ان کو تقسیم کر دیا جائے گا, اور اس دوران جو آزاد ریاستیں وہاں بہت ساری پاس یہاں برصغیر میں آزاد ریاستیں تھی, پانچ یا سے کچھ زیادہ تھی, ان ریاستوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنے اپنے معروضی حالات کے تحت اور اپنی عوام کی خواہشات کے مطابق چاہے تو وہ انڈیا کے ساتھ جوائن کر لیں, چاہے وہ پاکستان کا حصہ بن جائیں, اور چاہے تو وہ اپنی آزاد حیثیت بھی برقرار رکھ سکتی ہیں. یہ تھا وہ پلان جس کے تحت آج ہم ماضی وجود میں آئے, بھارت بھی اس دنیا میں وجود میں آیا. کشمیر آپ کی جگلر وین ہے, یہ قائد اعظم نے کہا, یہ حقیقت ہے. قائد اعظم نے کوئی سیاسی نعرہ نہیں دیا تھا. آپ دیکھیے کہ آپ کا پانی وہاں سے آتا ہے, آپ کی ثقافت وہاں سے ملتی ہے, مسلمانوں کی ایک بہت معقول تعداد, میں آج پرسنٹیج میں نہیں جاتا, یہ بہت زیادہ پرسنٹیج ہے مسلمانوں کی وہاں رہتی ہے, اور یہ مسلمان کئی سو سال سے وہاں رہ رہے تھے, بڑی آزادی کے ساتھ رہ رہے تھے. بدقسمتی سے یہ ایسے واقعات 1819 سے شروع ہوئے اور ان کی نظری شروع ہوئی, اور تب سے لے کے وہ آج تک اپنی آزادی کی ایکچولی جنگ لڑ رہے ہیں. کہ یہ وہاں اس وجہ سے نہیں لڑ رہے کہ ان کو کسی نے مارا اور ریئیکشن میں وہ آ گئے, وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے پہلے انہوں نے, اور اگر وہ باہر نکل رہے تو ریئیکشن نہیں, پہلے وہ بہت پرامن طریقے سے اس کو کرتے رہے, نہیں حل ہوا تو پھر جنگ آمد وہ ہے تنگ آمد بدنگ آمد ہی جنگ آتے, وہ انہوں نے اسلحہ بھی اٹھایا اور آج پھر وہ واپس ان کے گوما نے ان کو پھر وزن دیا, وہ پھر آج پرامن احتجاج کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیے کہ ان کے ہاتھ میں پتھر ہوتے ہیں, اس سے زیادہ وہ کیا دفاع کریں گے. اس پر ہم بات کریں گے کہ ہم کہاں لیگ کرتے ہیں, اور ان کے جو پروپیگنڈا ہے اس کو پذیرائی کیوں ملتی ہے, اور کشمیر جو ایک متنازع علاقہ ہے, کشمیر کا مقدمہ جو ہے یہ اس وقت پوری دنیا کے لیے اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان کی ضمیر کے لیے کہ اس مقدمے کو کس طرح سے حل کیا جانا چاہیے. اس پر ہم بات کریں گے, ایک بریک مجھے لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سیف داس پہلی دفعہ امید کی کرن نظر آئی ہے کہ یہ پائپ لائن بن جائے. دونوں میں وائبل آپشن کون سی, ٹیپی یا ایران؟ آپ کو ٹیپی بھی چاہیے, آپ کو ایران بھی چاہیے, آپ کو ایل این جی چاہیے. تمام صوبائی حکومتیں مبارکباد کی مستحق ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے صوبوں میں انٹروینشن کیے جو کبھی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوتی. سو لیٹس ٹیک دی کریڈٹ آل آف اس. یہ تو ہمارے ویورز کو بتائے گا کہ ہمیں کتنے بلینز آف ڈالرز ملے. اس میں ہم نے دیکھا کہ امریکی امداد بھی اوور آل جو انٹرنیشنل سپورٹ تھی وہ گھٹ رہی ہے. ہمیں اپنے ملک کو انٹرنلی اسٹرانگ کرنا ہوگا. انٹرنلی آپ کی انسٹیٹیوشنز جب اسٹرانگ ہوں گی, آپ کی یہ ساری چیزیں جو ہے تو خود بخود
बेहतर हो जाएंगे। हमें रिस्पेक्ट सीखना चाहिए उन इंस्टीट्यूशन का जिसको इंडिपेंडेंटली उन्होंने ऑपरेट करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक। आप चाहते थे ये कमीशन की रिपोर्ट आपने बनी थी, क्यों नहीं बनी? नहीं, अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं है, लेकिन ये आनी चाहिए और ये बिल्कुल आनी चाहिए। पाकिस्तान राजदारी पे एक दफा फिर चलने लगे। सरकार बनाई जा रही है जो दुनिया की तीसरी सबसे गहरी सरकार है। ये जजीरा 50 साल पहले भी नमूदार हुआ था और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये समंदर बहुत होता गया। चीन के गेट से हम सरजमीन पाक में दाखिल हो रहे हैं। रायपुर तक 223 किलोमीटर का ये जो एक पैच है चाइना टॉप से जीरो प्वाइंट से लेकर रायपुर तक, ये हमारे हवाले किया गया था। पाक चाइना टनल 5 रियासत का अहम सुतून, चौथा सुतून। देखिए तीर का बुद्ध 7:05 तक सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। वेलकम बैक टू द शो। आज हम बात कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से और वहां जो करंट वेव इस वक्त हमें नजर आ रही है, ये हालिया वाकयात खुद निशानदेही करते हैं और बेनकाब कर रहे हैं इस वक्त भारत के अजाइम है जो दहशतगर्दी भारत वहां पर कर रहा है। स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, कच्छ यूनिवर्सिटी में इस वक्त मौजूद हैं। मैं चाहती थी कुछ और सवाल हम शामिल कर लेते हैं ओवर टू ऑडियंस। जी सलाम, मेरा नाम है अफियान गोदान और मेरा तल्ला डेवलपमेंट से है। क्या तो रही है डेवलपमेंट की, ज्यादा दूर न जाएं, ये रोड क्रॉस करें रावलकोट की तरफ जाएं। क्या रोड है हमारे पास रावलकोट में, आप सीएमए देख रहे हैं, एक सीएमए तो आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान सीम है और मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं इस्लामाबाद से हूँ, तो मैं अगर कश्मीर में कोई जमीन या कोई घर लेना चाहूँ तो मैं वहाँ पे क्यों नहीं ले सकता? ठीक है, मैं इसका जवाब देती हूँ, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मैं ये जा रही हूँ कि हम बात करें मकबूजा कश्मीर के जो वहाँ पर हालात हैं उनके साथ हम सॉलिडारिटी शो करें और आप ज्यादा मसाइल जो यहाँ पर है उसकी बात करें। अगर आज के हम प्रोग्राम में थोड़ा संख्या वाले से बात करें उनके साथ जा रही यकजहती कर लें तो मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे भी कुछ सवाल मैं चाहूंगी अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं। पहली बात यह है कि मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि कश्मीर में जो भी हो रहा है इस टाइम मकबूजा कश्मीर में वो आजादी के हक के लिए हो रहा है, यही बात है। आजादी आप क्यों लेते हैं? क्योंकि आपके राइट्स आपको प्रॉपर वहां पे नहीं मिलते, बट आप देखें तो इंडिया उस पर इन्वेस्ट कर रहा है लेकिन वो क्यों नहीं उनको अलग होने दे रहा? क्योंकि उसके अपने मफाद आते हैं, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है। पाकिस्तान चाहे मकबूजा कश्मीर में या चाहे किसी भी कंट्री में फ्रीडम को सपोर्ट करता है ना, तो इसको ज्यादा मतलब अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती और हम उस चीज में फुल सपोर्ट करते हैं। लेकिन जहां पर ये बात आती है कि कश्मीरी क्या चाहते हैं या मकबूजा कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, सेकेंड पॉइंट मेरा ये है कि अगर इंडिया इसी तरह कश्मीर को कभी अलग नहीं होने देगा, जैसे इनिशियली आपने बात की थी यूएनओ की कि हम यूएनओ से अल्टीमेट सोल्यूशन की तरफ जाएं, तो अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? बेसिकली पॉइंट ऑफ फ्रीडम पे है ना। एक और यहां इन्होंने मुझे बताया था अभी मैंने सुना कि जब पाकिस्तान बना था तो तीन चीजें थी, या कश्मीर पाकिस्तान के साथ रहे या फिर इंडिपेंडेंट, ज्यादा इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ये जो सवालात आ रहे हैं हमारे जो पैनलिस्ट हैं बड़े माशाल्लाह सीनियर लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इस कंसेप्शन को इन कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में। और ये बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं जो हमारे यूथ के माइंड में है, जो ये उनसे जानना चाहते हैं। मैं ये कहूंगी कि आप इनको क्लियर करें, लेकिन कुछ और सवाल आप भी हम ले लेते हैं। माइक ले लीजिएगा अगर कोई और सवाल करना चाहे। जी माइक ले लीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आप देखते हैं कश्मीर में वो फाइट करते हैं, पाकिस्तान का नारा वगैरह लगाते हैं, तो इंडियन फोर्सेज वहां पर हैं जो उनसे उनको रोकती हैं और सब कुछ करती हैं, तो हमारी गवर्नमेंट कोई स्टेप क्यों नहीं लेती अपनी फोर्सेज भेज के उनको, यानी कि पाकिस्तान का नारा बनाने? उसका जवाब मैं लेती हूँ। जी आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान है और मैं भी कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। मैं एक्चुअली
عفان اور نعمان کے کوشچن کا آنسر دینا چاہتا ہوں, ان کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مظفر آباد یا کشمیر میں ایک ہی سی ایم ایچ ہے, اس کی حالت نہیں ٹھیک اور روڈز نہیں اچھی, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جتنا بھی بجٹ جاتا ہے کشمیر میں وہ پاکستان سے جاتا ہے. پاکستان خود ابھی ڈیولپنگ اسٹیج میں اور وہ ایک اور اسٹیٹ کو بھی ساتھ سپورٹ کر رہا ہے, تو جتنا وہ کر رہا ہے وہ میرے خیال سے کافی ہے. اور کشمیر کافی حد تک ڈیولپ ہے, آپ چکوٹی والی روڈ دیکھیں کافی اچھی ہے میرے خیال سے, پنڈی سے بھی یا اسلام آباد والی روڈوں سے بھی وہ اچھی روڈ بنی ہوئی ہے. اور سیکنڈلی یہ میرا کوشچن ہے کہ کشمیر کو ہم پروونشنل یعنی پروونس کا اسٹیٹس کیوں نہیں دیتے, یعنی کشمیر ایک الگ کیوں ہے, اس کو پاکستانی گورنمنٹ ابھی تک پاکستان میں رم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک اور جیسے نوان نے کہا تھا کہ کشمیر میں آپ جا کے زمینیں خرید سکتے, تو اس کو پتا ہے کہ یہ ابھی انڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے اس لیے وہاں زمینیں خریدی جا رہی ہیں. چلو بہت سارے سوالات کے جواب آپ کو آپس میں ایک دوسرے کو سیریسلی دے دیے, میں بھی بہت بہت دن کے میں جواب کا بھی بتایا اور نالج بہت لگا, اپڈیٹڈ نالج ہے ان کے پاس. اگر کوئی سوال ہے تو ایک سوال میں لوں گی اور اپنے پینلسٹ کی طرف جاؤں گی, پھر دوبارہ ہم آپ کی طرف واپس آتے ہیں. آپ مائک لے لیں اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم, میرا سوال تو ویسے پورے پینل سے ہے لیکن خاص کر بخاری صاحب سے. سر, آئی ہیو بین انوالوڈ ان دس ڈبیٹ آن انٹرنیشنل لیول ان اسٹوڈنٹ کانفرنس, تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ہم انٹرنیشنل لیول پہ یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں دے ول ڈریگ دا ہول کنورسیشن اینڈ دا آرگومنٹ ٹو ٹو مین پوائنٹ, کہ آپ ایک تو بنگال کو سنبھال نہیں سکے, دوسرا آپ بلوچستان کو سنبھال نہیں سک رہے, تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ کشمیر کو بھی سنبھال لیں گے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ آر وی ریئلی کیپیبل آف ہولڈنگ کشمیر اور ناٹ؟ اوکے, ٹھیک ہے, میں اس کا جواب لیتی ہوں. بخاری صاحب آپ ہی میرا خیال ہے, پہلے اس سوال کو ریسپونڈ کریں اور پھر اسی طرح سے واپس آتے ہیں. دیکھیے بہت سارے سوالات ہو گئے, دیکھیے بات سنیے, یہ سنبھالنے کا معاملہ نہیں ہے. اور آپ کو کس نے بتایا کہ ہم بلوچستان کو سنبھال نہیں سکتے؟ آپ بلوچستان میں آپ نے سفر کیا, آپ جائیے وہاں پہ. بلوچستان دراصل آپ اس کو نیل برن لینڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, وہاں وہ بہت بڑا رقبہ ہے اور آبادی بہت تھوڑی ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ نے ایک سڑک بھی تعمیر کرنی ہو تو ایک آبادی ایک یہاں کوٹا میں رہ رہی ہے, دوسری آپ کی جو ہے وہ چلی جائے جوب میں, آپ کیسے راستہ پرووائڈ کریں گے؟ حالانکہ وہاں سڑکیں موجود ہیں, یہ نہیں کہ وہاں نہیں ہے, سب کچھ موجود ہے. بات یہ ہے کہ یہی غلط پرسپشن کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے کہ بلوچستان کے بارے میں جو مس کنسپشن ہے یا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے بارے نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بلوچستان پاکستان کے اس علاقے میں شامل ہے جہاں معدنیات نیچرل ریسورسز موجود ہیں, معدنی وسائل بہت بہت عرصے پہلے ایک خود ایک بڑے ووکل پولیٹیشین نے بلوچستان سے کہا تھا کہ بلوچستان میں اصل لڑائی اس بات کی نہیں ہے کہ وہاں حقوق نہیں مل رہے یا وہاں ایڈمنسٹریشن صحیح نہیں ہے, دراصل وہ اس جگہ پہ موجود ہے جہاں دنیا کے مفادات جو ہیں وہ وہاں اکٹھے ہو گئے, ایک نقطے پہ منجمد ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, آج کا دور انرجی ریسورسز کا دور ہے, آپ کا بلوچستان اس ایریا میں شامل ہے جہاں انرجی ریسورسز کے لیے بہت سارے مواقع موجود ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ اگر آپ کمزور ہوں گے اکانومی معاشی طور پر تو کیا ہوگا, دوسرے لوگ آپ کو دبانے کی کوشش کریں گے. ریڈی بات چونکہ یہ پروگرام کشمیر کے حوالے سے ہے تو میں اس پر آتا ہوں کہ کشمیر کو سنبھالنے کی بات کیسے آ گئی. کشمیر کے بارے میں کشمیر ہمارا حصہ نہیں ہے, نہیں بلی جسے قانونی کہتے ہیں یا اس کی باؤنڈریز ابھی ہماری باؤنڈریز میں شامل نہیں ہے, ابھی اس کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے. اور دراصل یہی تو وہ لڑائی چل رہی ہے کہ کشمیریوں کو ان کو خود یہ حق دیا جائے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ ان کے سیاسی مستقبل کیا ہوگا, ان کا لائف اسٹائل کیا ہوگا, ان کا وہ کس جو ہے معاشی پالیسی کو لے کے چلیں گے, ان کی ڈیولپمنٹ کیا ہوں گی. یعنی اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا حق ان کو ملنا چاہیے. جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کریں, آپ جس طرح سے ہر انسان کو حق ہے اسی طرح سے کشمیریوں کو بھی جس طرح ان کو یہ حق دیا گیا اسی طرح ان کو یہ حق ملنا چاہیے. کہ اور ان کے اور اسی بھی یہ سوالات تین سوالات رکھے گئے تھے کہ چاہے تو وہ پاکستان کا حصہ بن کر اس کے ساتھ مشترکہ طور پر اپنی قسمت کو آگے بڑھائیں,
چاہے وہ انڈیا کے ساتھ مل جائے یا چاہے وہ ان کی ایک تاریخی طور پر ان کی ایک خود مختار حیثیت ہمیشہ رہی ہے. کشمیر کبھی بھی, جموں کشمیر کبھی بھی کسی بھی ریاست کا جو ہے وہ حصہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ اس کی اپنی ایک خود مختار اور آزاد حیثیت تھی. تو اس لیے ان کو جب اس کا فیصلے کا حق ملے گا پھر وہ ایک بہترین طریقے سے وہاں سے لیڈرز آئیں گے. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے بلوچستان سے ہی لیڈر ملے یا سندھ سے لیڈر ملے یا پنجاب سے ملے. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے تو ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ آپ کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر آپ کا کشمیر سے ہو. ہو سکتا ہے وہ آپ کی قوم کو لیڈ کرے, آپ کو ایک نیو ملینیم کے لیے آپ کو جو ہے وہ پالیسی دے. اور باقی رہ گیا بات یہ کہ دنیا میں ہم اپنا کیس اس لیے نہیں لڑ سکتے کہ ہم ابھی تک ان ٹولز کو یوز نہیں کر پائے جو کہ انڈیا پروپیگنڈا کے لیے بہت اچھے طریقے سے یوز کرتا ہے. یہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ یہ ہمارے سیاسی زوما جن کو یہ سوچنا تھا, جنہوں نے اپنی قوم کی رہبری کرنا ہوتی ہے, جن اداروں نے جو گائیڈ لائن فراہم کرنی ہوتی ہے انہوں نے وہ طریقے سے نہیں کیا. اور باقی آپ نے کہا کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے, دیکھیے آزاد کشمیر میں ابھی تو کچھ ہوتا نہیں ہے. آپ بتائیے اس کی اپنی کیا جو ہے وہ ارننگ ہے, ان کی تو ارننگ کوئی نہیں ہے. ایک ان کے پاس منگلا ڈیم ہے جس سے ان کو کچھ بجٹ ملتا ہے, ان کو پیسے ملتے ہیں. اس کے باوجود جو آپ کی ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں وہ کون سی ہے, وہ یہیں سے تو جاتی. باقی رہ گیا بات یہ کہ یہی تو آپ کو بتانا ہے کہ آپ کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ آپ نے کرنا کیا ہے. صحیح ہے, میں چاہوں گی کہ سوری آپ اس میں ایڈ کیجیے گا جو سوالات کیے گئے ان کو رسپونڈ کریں اور پھر باقی پینلسٹ کی طرف. جو یہ ینگ مین نے کہا تھا راولا کوٹ, میں ابھی ون ویک بفور راولا کوٹ ٹریول کر کے آئی ہوں, ابھی نیو روڈ بنی ہے اور آپ سب لوگوں کو میں یہ دعوت دیتی ہوں میرے ساتھ چلیں اور وہ روڈ آپ دیکھ لیں کہ وہ روڈ ویسٹ کی روڈ یہاں پہ پنڈی ایریا میں بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. آپ لوگوں کو میں یہ بتاؤں کہ آج آپ جا کر ٹویٹ کرتے ہیں ایک انڈین آکوپائڈ کشمیر کے بارے میں, آپ کو 200 انڈین گالیاں دیں گے اور آپ کے اپنے ہی فرینڈز آپ کو وہاں پر کاؤنٹر اٹیک نہیں کریں گے. یہاں پر ہم ویک ہیں, ہم لوگ یہاں پر ویک, اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ ان کا سانس بڑا اسٹرانگ ہے. یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یہ جتنا بھی نیگیٹو پروپیگنڈا ہے اس کو صرف گورنمنٹ ہینڈل نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ جو ٹول ہے آپ کے پاس اسمارٹ موبائلز ہیں, آپ کے پاس جو یہ ایپس ہیں فیس بک کی ٹویٹر کی, آج آپ جائیں #کشمیر میٹرز آپ اس پہ جائیں, اس پہ ٹویٹ کریں. آپ کو جو بھی ٹویٹ ملتا ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے بارے میں, مقبوضہ کشمیر کی کسی بھی سچویشن کے بارے میں آپ کو ری ٹویٹ کرتے جائیں, آپ دیکھیں گے یہ پروپیگنڈا ہمیں ہی ختم کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم وہاں پر اپنی فورسز بھیج سکتے ہیں یا نہیں بھیج سکتے ہیں, یہی تو سارا معاملہ ہے. کہ اس وقت یہ طے پایا تھا کہ آزاد کشمیر جو ہے وہاں سے پاکستان اپنی فورسز ڈرا بیک کرے. انڈینز یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اتنے معصوم ہیں کہ وہ وہاں سے ڈرا بیک کریں گے اور ہم یہاں سے جو آزاد کشمیر ان کے پاس ہے وہ بھی لے لیں گے. انہوں نے اپنی فورسز جو ہیں ان کو پیچھے نہیں کیا ہے, کیونکہ انڈیا, یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ آپ کا دشمن بہت مکار ہے. آپ کو یہ ابھی بتایا گیا ہے کہ وہاں پر ایک کشمیری کے اوپر 12 تعینات تھی اور انڈیا کبھی تیار ہی نہیں ہوتا, کیونکہ بائی لیٹرل ایشو نہیں ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ لیٹ انڈیا اینڈ پاکستان ہینڈل دس ایشو, اٹس ناٹ اے بائی لیٹرل ایشو, اٹ از اے ایشو بٹوین انڈیا پاکستان اینڈ کشمیر کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں اور آپس میں ہی وہ پاکستان ہے. اور آپ سب کا اس میں بہت پازیٹو رول ہے. آج ہی آپ میرے ساتھ وعدہ کر کے جائیں کہ آپ فیس بک پہ, آپ یوٹیوب پہ کچھ بھی دیکھتے ہیں ریلیٹڈ ٹو مقبوضہ کشمیر, آپ اس کو ٹویٹ کریں گے, اس کے اوپر لکھیں گے, تاکہ ہمارے جو انڈینز ہیں ان کو اس چیز کا پتا چلے کہ ہماری جو نسل ہے, ہماری جو یوتھ ہے, یہ جو ہماری کریم ہے, یہ کتنی ایکٹیو ہے. مجھے اتنی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ اتنی اویئرنیس ہے آپ لوگوں میں اور اتنے اچھے آپ لوگوں نے کوشچنز ریز کیے ہیں, اور یہی وہ چیزیں ہیں آپ کے مائنڈ جو ہے وہ ہم نے جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہاں سے ہم جو بھی سلوگن ریز کرتے ہیں, ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بھائی بہن, یہ صرف باتوں کی بات نہیں ہے, وہ اتنے خوش ہوتے ہیں. آپ نے آپ کے یہاں درابی صاحبہ کی اسپیچ نہیں سنی, انہوں نے کیا کہا کہ میں وہاں پر جو ہے یہ مذمت کا دن منایا تھا. ہم یہاں پر جو کچھ کرتے ہیں کیونکہ ان کی سٹوریز ہیں, ان کی آواز ہیں, ہم ان کے گلوں کو دبایا جاتا ہے. ہم یہاں پہ بیٹھی تمام یوتھ, ہمارے لیڈرز, ہم ان کی آواز ہیں. ہم پر یہ فرض ہے کہ ان کی آواز جو ہے اسے ریزونیٹ کر کے ہم پھیلائیں تبھی. اور آپ ہی وہ بچے جو کل کو انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں پڑھیں گے, آپ ان کے مائنڈ سیٹ اپ بھی چینج کریں گے. ٹھیک ہے, بہت کم رہ گئے. یہ جو موومنٹ ہے آپ یہ دیکھ لیجیے, آپ دیکھتے ہوں گے
ये टी वी पे और अखबारात में भी आपने इसकी पिक्चर देखी होगी कि वो मूवमेंट कोई मेरी उम्र के लोग नहीं चला रहे। आप जैसे नौजवान हैं जो जिन्होंने एक हाथ में किताब पकड़ी होती है और एक हाथ में उनके पास जो है वो पत्थर होता है, वो उस फोर्स को रोकने के लिए वो पत्थर है जो कि वो उन्हें रोक रहा है उनको अपनी आजादी लेने के लिए, वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। और दुनिया कहीं में भी आजादी के जो मतवाले होते हैं उनको दहशतगर्द नहीं कहा जाता जो कि इंडिया प्रिटेंड कर रहा है। ये बात आप ध्यान में रखें कि आपको उनके मुकाबले पे आना है, उनके आवाज सुननी, दुनिया में कहीं भी किसी के साथ हो रही होती है हो रही हो तो हमें उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। और अगर हमारे कश्मीरी बहन भाइयों का जिक्र आता है तो फिर यकीनन ये फर्ज हो जाता है कि आप लोग उसके रिस्पॉन्ड करें। जी सर, जो सवाल किए गए मैं चाहूंगी कि उनके जवाब सवाल आपने किए लेकिन दो तीन बुनियादी चीजें आपको समझनी चाहिए। जब आप कश्मीर कहते हैं तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़े, कश्मीर की डिस्टिंक्शन है इंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान भी है, आजाद कश्मीर भी है और मकबूजा कश्मीर भी है। वो कश्मीर की डिस्टिंक्शन है। फिर तो हमारी जुदी जो है हक के खुद राजनीत के लिए कि कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला करें, वो सिर्फ मकबूजा कश्मीर के लोगों ने नहीं करना है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का भी वही फैसला करना है और आजाद खिते के लोगों ने भी उस फैसले में अपना बराबर का हिस्सा डालना है। ये दो बातें आप क्लियर कर लें। तीसरी बात कि हिंदुस्तान का आईन उन्होंने अमेंडमेंट करके 1964 में लिखा कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन नंबर आर्टिकल 1 में, और उसके बैक्स पाकिस्तान के आईन का आर्टिकल 257 वो कह रहा है कि अगर कश्मीरी आजादी हासिल कर लें उसके बाद पाकिस्तान के साथ इलाहाब करें तो रियासत की पॉलिटिकल पोजिशन का तायुन कश्मीरी लीडरशिप करेगी, और पाकिस्तान के आईन में कहीं भी आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा अभी तक नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि ये फैसला कश्मीरियों ने करना है। यही वजह है मेयर आप यहां हैं, यही वजह है कि 20-22 लाख कश्मीरी मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आबाद है, यही वजह है कि आज 40,000 कश्मीरी आपके मुजफ्फराबाद के कैंपस के अंदर बैठे हैं। वो सिर्फ श्रीनगर की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे, हम पूरी रियासत के लोगों के हक के खुद इरादियत जिसमें सिख भी शामिल है, जिसमें डोगे भी शामिल है, जिसमें पंडित भी शामिल है, जिसमें जम्मू भी शामिल है और लद्दाख भी शामिल है, और ये यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को शरीक बनाया और कश्मीरियों ने वकील बनाया। अब पाकिस्तान वकील इसलिए है कि कश्मीर इज नॉट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, हम वहां जा नहीं सकते, लिहाजा पाकिस्तान बाइस के फरीक के भी और बाइस के वकील के भी अपना केस यूनाइटेड नेशन में लेके जाता है। अब एक आपकी बात से मैं इतफाक करूंगा वो ये कि जिस अंदाज में हिंदुस्तान की डिप्लोमेट्स, हिंदुस्तान के सुफरा, हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान के लोग कश्मीर जो उसका न कभी था न होगा उसको हड़प करने के लिए जो साजिशें कर रहे हैं, जो टेररिज्म वहां कर रहे हैं, स्टेट टेररिज्म कर रहे हैं, और वह अपने उस गलत को दुनिया में सही साबित करने में किसी हद तक कामयाब हुए, लेकिन हमारी यह बदकिस्मती हुई कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे उस अंदाज से हमारे सुफरा ने यह केस नहीं लड़ा। यही वजह है कि आज आजाद कश्मीर के कश्मीरी ये केस लंदन में लड़ रहे हैं, स्विट्जरलैंड में लड़ रहे हैं, अमरीका में लड़ रहे हैं, आपके बहन भाई वहां लड़ रहे हैं। और मैं ये बात आपको यकीन से कहूं कि यकीन आप यकीन कर लें कि जो आपके भाई जिन्होंने जिस तरह हाफ विंडो की बात की कि 10,000 लोग हमारे लापता है, इसी तरह जो कश्मीर के लोगों को चर्चा खाली साहब से मैं चाहूंगी कि जो सवाल किए गए और जो अभी नसीम यूसुफ साहब भी फरमा रहे थे, यूसुफ नसीम साहब, मैं चाहूंगी कि उसमें भी जरा बात कीजिएगा कि रिसेंटली जो हमारी पॉलिसी नजर आ रही है और जो हमें उन्नति कर रहे नजर आ रही है कि बेहतरी आ रही है, लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वो तो बहुत पुरानी बातें हो गई ना कि जब वो प्रोपेगेंडा कामयाब हो जाता था, अब तो पाकिस्तान भी इस फ्रंट पर हमें बहुत आगे नजर आता है। एक मिनट सर, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, इसके बाद में आपकी तरफ आती हूँ। मैं इसमें इजाफा करता हूँ कि सबसे पहले मैं पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करता हूँ। हमारी सिर्फ इस हुकूमत ने नहीं बल्कि गुज़श्ता हुकूमतों ने भी अपना अपना कलीदी किरदार अदा करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने आजादी कश्मीर और कश्मीरी आवाम के लिए, चाहे वो मकबूजा कश्मीर हो या आजाद कश्मीर हो, उसने एक ऐसा किरदार अदा किया है कि जिसको तारीफ कभी भी नहीं बढ़ा सकती। हमने अपनी माँ बहनों बेटियों के साथ
جس طرح سے ان کا ساتھ دیا ہے، ہم جس طرح سے اپنی کسی بہن کی سر ذاتی کے لیے آنسو بہاتے ہیں، جس طرح ہمیں آپ کسی ماں کے سر سے دوپٹہ اترتا ہے، تو ہمیں جو تکلیف ہوتی ہے پاکستانی عوام کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی خطے میں اور کوئی محسوس نہیں کر سکتا. لہٰذا پاکستان کا کردار، پاکستان کا رول ایک تاریخی ہے، حقیقت ہے. اور جہاں تک نسیم یوسف صاحب نے کہا کہ پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر دور حکومت میں فرق ضرور پڑتا ہے. آپ کی کشمیر کمیٹی، آپ کے دیگر ادارے، آپ کی کانسٹیٹیوشن ادارے، آپ کی پارلیمنٹس پختہ ہوتی رہتی، مگر اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں کہ پاکستان ایک انچ بھی پیچھے ہٹا ہے. ہم لعنت بھیجتے ہیں اور مودی سرکار جو کہ خود ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا حصہ رہا ہے، جس نے دنیا کے اوپر ثابت کیا ہے کہ وہ ٹیررسٹ ہے اور ٹیررزم پھیلا رہا ہے، اور آج جو اسٹیٹ ٹیررزم مقبوضہ کشمیر کے اندر جاری ہے وہ صرف موجودہ بھارتی حکومت کی زندگی اور ان کی صفت کی عطاس کرتی ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت بھارت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ علم اب چونکہ نوجوان نسل نے اٹھایا ہے، جو کسی قوم کا احساسہ ہوتے ہیں، جو کسی قوم کی مراج ہوتے ہیں، جو کسی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، اب تمہارا یہ خواب خواب ہی رہے گا. تم کبھی بھی نوجوانوں کے ہاتھوں سے نہ پاکستان کا پرچم نیچے گا سکتے ہو، نہ ان کے جنازوں کے اوپر شہدا کے اوپر لپیٹے ہوئے پاکستانی پرچم کو ہٹا سکتے ہو. یہ امر ہو چکا ہے اور کشمیر، آزادی کشمیر، کشمیری عوام کا حق ہے، ان کو ملے گا. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں، یہ وقت بہت کم ہے، اس کو دو لفظ میں کہتا ہوں کہ یہ جو آزادی کشمیر کی تاریخ ہے، یہ خالصتاً انسانی حقوق کی تاریخ ہے. اور انسانی حقوق کی تاریخ ایک قوانین کے اوپر بھی لڑی جاتی ہیں. بدقسمتی سے یہ ہے کہ 1958 سے لے کے آج تک بھارت نے جتنے قوانین مسلط کیے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، وہ غیر انسانی ہیں، وہ انسانی تقاضوں کے خلاف ہے. ان کو بے بکریوں کی طرح مارنا، ان کو ذلیل کرنا، اور ان کی 2,500 قبروں پر مشمل ان کی اجتماعی قبریں بنانا، اور ان کی آوازیں بلند کرنا. کہاں سویا ہوا ہے بھارت کا اسٹیٹ کمیشن فار ہیومن رائٹس؟ کہاں ہے بھارت کا نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس؟ ٹھیک کہاں ہے؟ ہمیں اس لیے بھی سنا جاتا ہے. میں مسلم آپ کی طرف کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت بھارت زندگی کر رہی، حکومت بھارت اور خالصتاً مودی وزیر اعظم کس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ تم اس دنیا میں کیا کرنے آئے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم ایک انسانیت کے لیے کردار، اچھا کردار ثابت کر کے جاؤ. تم نے ایک ایسا گڑا کھود دیا ہے کہ جس میں تم خود گرو گے، اور انشاءاللہ یہ کشمیر کی آزادی، انشاءاللہ ان کا مقدر ہے کشمیری عوام کا. ہماری ماؤں، ہماری بہنوں، ہمارے نوجوانوں، ہمارے بزرگوں، ہمارے تمام شہداء، ہماری فوج کی، ہماری پاکستانی عوام کی کوئی قربانی رائے گا نہیں جائے گی. آخر کار انڈیا کو انٹرنیشنل لا کے آگے جھکنا پڑے گا، اور اس وقت بربریت اور درندگی وہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے، اور جس طرح سے نہتے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، آخر کار اس کا کوئی اختتام ہوگا؟ ظلم جو ہے وہ آخر مٹ کر رہتا ہے، اس میں ختم ہونا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جو پینلسٹ آپ کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہے، سہرش قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سید اقبال مصطفیٰ زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، یوسف نسیم صاحب اور ڈاکٹر خالد لہری صاحب موجود تھے، فرسٹ یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا، اور ایک اچھی خواہش کے ساتھ، اس نئے خواہش کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم کشمیر کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے لیے ایک اچھی جو صبح ہے، جو ایک نئی صبح صحیح ہوگی، اس دعا کے ساتھ آج ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اور 45 منٹ سے ناہید چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.